लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं ओमकार निर्धनों का धन, अशक्तों की शक्ति, दुखियों का सुख, निर्बलों का बल और सामर्थ्यहीनों के लिए सामर्थ्य का आभार। मैं ओंकार हूं। जलंधर अपने महल में लक्ष्मी और विष्णु को लेकर आता है। वृंदा प्रेम और शांति के पक्ष में बोलती है। उधर शुक्राचार्य भवन में पहुंचकर जलंधर को आदेश देते हैं कि नारद लीला से बचते हुए विष्णु और लक्ष्मी को तुरंत वहां से निकाल दे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। महाबली जलंधर, आप केवल महाबली ही नहीं महाज्ञानी भी हैं। धरती आपको पाकर धन्य हो गई है। हाँ, स्वर्ग और आकाश भी हमें पाकर धन्य हो जाएंगे। और अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? पहले भी एक बार तुम मुझे मूर्ख बना चुके हो। नहीं नहीं महाबली, ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर क्यों मुझे लक्ष्मी और विष्णु के साथ संबंध बढ़ाने के लिए आग्रह किया? तुम्हारे विषय में तो कहा जाता है कि तुम जहां जाते हो वहां असुरी भाषा में उसे कबाड़ा कहते हैं। तुम जहां जाते हो वहां कबाड़ा कर देते हो। क्या मेरा भी कबाड़ा करने आया हो नारद? सुना हुआ सब कुछ सत्य तो नहीं होता महाबली। कुछ कुछ तो सत्य होगा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे कार्य सब कुछ भी नहीं, कुछ कुछ के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ जानता हूं नारद। अपने आने का प्रयोजन बताओ। अब कहने को शेष रह ही क्या गया है महाबली। कुछ कुछ और सब कुछ दोनों को मिलाकर सारा कुछ आपने कह दिया है। नारायण नारायण, जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो मेरे कहने का लाभ क्या होगा महाबली? मैं तो यहाँ आया था आपके हित की बात करने, परंतु अब मैं चलता हूँ। नारायण 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 बोले बिना वो बोलो जो यहाँ बोलने आए थे। हमारे हित की बात हुई तो हम विश्वास भी करेंगे, किंतु सावधान। यदि तुमने छल से काम लिया तो हम बल से काम लेंगे, समझे? महाबली, आपके और मेरे बीच छल और बल का प्रवेश संभव ही नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, क्या अब भी आपको स्वर पर आक्रमण करने की आवश्यकता है? इस अब भी और तब भी से क्या अभिप्राय है तुम्हारा? अभी अभी तुम आश्चर्य प्रकट कर रहे थे, हमने अब तक स्वर्ग विजय क्यों नहीं किया, और अब प्रश्न खड़ा कर रहे हो नारद? असुरराज, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि देवराज और देवगण वैसे ही आपसे भयभीत हैं। वो तो बिना युद्ध के ही आपसे हारे हुए हैं। और श्री हरि विष्णु तो वैकुंठ लौट गए हैं। अब वे देवगणों की सहायता कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण, आप जब चाहें तब स्वर्ग पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आपके लिए अब स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करना कोई बड़े पराक्रम की बात नहीं रही। तुम हमारी प्रशंसा कर रहे हो, अथवा हमें चुनौती दे रहे हो नारद? स्वर्ग पर अधिकार करना बड़ी बात तो सही, किंतु ऐसा कुछ अवश्य है जिस पर अधिकार करना बड़ी बात है। सो तो है महाबली, यदि आपने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो इस जगत में आपको अन्य किसी पर भी अधिकार प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस समय आप संपूर्ण जगत में सर्वाधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और अजय सम्राट हैं। ये सब तो हम भी जानते हैं नारद, पर तुम हमें वो बात बताओ जो हम नहीं जानते। जान लेने से क्या होगा असुरराज? यदि आपने उसे अपने अधिकार में नहीं लिया तो कौन जानेगा
तुम्हारा ये पराक्रम और महाबल। पर वह है क्या? एक अनमोल रत्न है। रत्न? कैसा रत्न? कहाँ है वह रत्न? स्त्री रत्न, जगत का सर्वश्रेष्ठ स्त्री रत्न। एक ऐसा स्त्री रत्न जिसे प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रहती। परम सौभाग्यशाली, परम विदुषी, परम सौंदर्यमयी। नारद, बताते क्यों नहीं? कौन है वो स्त्री रत्न? वो कहां रहती है? ऊंचे स्तर के प्राणी ऊंचाई पर रहते हैं महाबली, और ये परम सुंदरी भी ऊंचाई पर रहती है। जन साधारण को वहां पहुंचना तो संभव ही नहीं। हम पहुंचेंगे वहां, पर तुम बताओ तो कि वह है कौन? यदि आप वहां तक पहुंच गए महाबली, तो त्रिलोक की संपूर्ण संपदा, ऐश्वर्य और वैभव आप तक पहुंच जाएगा। स्त्री रत्न को प्राप्त करने के पश्चात आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि जगत की समस्त शक्तियां आपके सम्मुख नतमस्तक हो जाएंगी। पर नारद, ये तभी हो सकेगा जब हम स्त्री रत्न को प्राप्त कर लेंगे। और उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब तुम हमें ये बताओ कि वह है कौन। वो कौन है? वो कौन है ये कहने के लिए मेरे पास न शब्द है न वाणी है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ महाबली कि वो सौंदर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति है। अप्सरा यदि उसे छू ले तो वो मैली हो जाए। सत्य को यदि आप दृष्टता ना समझे तो आपसे क्षमा मांगे बिना मैं आपसे ये कहूंगा कि महारानी वृंदा यदि उसके सम्मुख खड़ी हो जाए तो दासी लगेगी। महाबली, उसका सौंदर्य शब्द से परे है। वो है कौन? क्या नाम है उसका? शिव संगिनी पार्वती कैलाश पर रहती है। उस भभूतधारी, सर्पधारी, चर्मधारी शिव के साथ यदि वो आपके साथ रहती तो शक्ति और सौंदर्य के साथ शोभायमान भी। अब ऐसा ही होगा नारद। ऐसा ही होना चाहिए महाबली, ऐसा ही होना चाहिए। अन्यथा आपका ये वैभव, विस्तृत साम्राज्य, शक्ति का विस्तार सब व्यर्थ हो जाएगा महाबली। आप शीघ्र अति शीघ्र उसे प्राप्त करने के प्रयास करें, और आप जैसे ही उसे प्राप्त कर लें कृपया कर मुझे सूचित कर दें। मैं आपको बधाई देने अवश्य आऊंगा महाबली। नारायण नारायण। महाबली जलंधर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति को प्राप्त करके ही रहेगा। अब यही जलंधर का उद्देश्य है। हम पार्वती को चर्मधारी सर्पधारी शिव से अलग कर देंगे। क्या कर रहा है? क्या कहूँ भगवान, मैं स्वयं को अपनी ही दृष्टि में गिरा कर आ रहा हूँ। क्यों? हे भोलेनाथ, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे कार्य करवा कर मुझे अपनी ही दृष्टि में लज्जित कर दिया है। प्रभु, इस अपराध भाव को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? इस अपराध भाव से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? प्रभु, मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? रह रहकर जब मुझे स्मरण होता है कि उस जलंधर को भ्रमित करने के लिए मैंने माता पार्वती के विषय में बहुत कुछ अनर्गल कहा है, तो स्मरण करके मेरा मन ग्लानि और दुख से भर उठता है। प्रभु, मुझे क्षमा करें। नारद, ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों की भांति आचरण करने की क्या आवश्यकता है? तुमने जो कुछ भी किया, कहा, स्वेच्छा से नहीं, हमारे आदेश से किया। तुम ये भी भली भांति जानते हो कि हमने जो प्रेरणा दी और प्रेरित होकर तुमने जो किया, उसके मूल में लोकहित ही है। उग्र प्रवृत्ति का जलंधर अधिक समय तक जीवित रहेगा तो निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करेगा। उसके विनाश के आयोजन में ही हम दोनों संलग्न हुए हैं। किंतु जलंधर के विनाश के लिए
माता पार्वती के नाम का दुरुपयोग करना क्या आवश्यक था भोलेनाथ? इससे पार्वती के नाम को कुछ भी दोष नहीं लगता ना, किंतु जलंधर जैसे महापातकों को मृत्यु की दिशा दिखाने के निमित्त अकल्पनीय आयोजन भी करने पड़ते हैं। ऐसे में इनकी अनैतिकता इनसे नीति विरुद्ध कार्य करवाकर मृत्यु की ओर धकेल देती है। भुवनेश्वर, अकाल मृत्यु के कुएं की ओर अनैतिकता के मार्ग से होकर ही जाना पड़ता है। वही तो किया गया है नारद। हे त्रिकालदर्शी, आपकी लीला अपरंपार तो है ही, आश्चर्यकारी और कल्पनातीत भी है। जिस चमत्कारिक ढंग से आप अपनी लीला रचाते हैं, उसी अद्भुत ढंग से आप उसे समेट भी लेते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, अब तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जलंधर के अतिथि नहीं है, अर्थात अब जलंधर के भाग्य कक्ष में अशुभ ग्रह प्रवेश कर चुके हैं। हाँ नारद, लक्ष्मी और विष्णु का वहाँ अतिथि बनना, तत्पश्चात वहाँ से अदृश्य हो जाना, ये सब पूर्व निर्धारित था। ओम नमः शिवाय। सर्वत्र भोलेनाथ की ही लीला है, चाहे जलंधर हो या सती वृंदा। स्वामी, आप शीघ्र लौट आए। स्वामी, अब हमें स्वर्ग विजय की कामना नहीं रही, अब हम कामिनी रत्न प्राप्त करना चाहते हैं। कामिनी रत्न अर्थात स्त्री रत्न। स्त्री रत्न वो तो आपके पास है, स्वयं आप ही ऐसा कहते रहे हैं। हम तुम्हारे स्थान पर एक नवीन स्त्री रत्न लाएंगे। शक्तिशाली सम्राट अधिक समय तक एक ही रत्न से संतुष्ट नहीं होते। आप क्या कह रहे हैं स्वामी? क्या भूल गए कि भगवान शिव की कृपा से मेरा सतीत्व आपका रक्षक है? यदि आपने किसी पर नारी पर कोई दृष्टि भी डाली तो क्या ऐसी स्थिति में मेरा सतीत्व आपकी रक्षा कर पाएगा? भगवान शिव मुझे शक्ति दे सकेंगे? नाम ना लो शिव का। भगवान शिव के नाम पर इतनी ईर्ष्या क्यों? इसलिए कि तुम्हारे स्थान पर जिस रत्न को मैं लाना चाहता हूँ, शिव की पत्नी पार्वती ही है। जगत की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी पार्वती अब हमारे महल की शोभा बनेगी। हाँ। क्या बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? आपकी वाणी साथ कैसे दे रही है? ऐसे पाप पूर्ण शब्द मुख से निकालने के लिए? अरे वेद तो शिवा है, शिवा जगत माता, जगत जननी, जगदम्बा है। उनके विषय में ऐसी अशोभनीय बात सोचने वाले को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलता, नहीं मिलता। तुम्हें किसने कहा कि हमें नरक में स्थान चाहिए? नहीं चाहिए, इसलिए तो पार्वती को अपने राजमहल की रानी बनाएंगे हम। परिणाम का भय नहीं है आपको? जिन्हें परिणाम का भय होता है वो जीवन को भोग ही नहीं सकते। नहीं नहीं स्वामी, मैं ये पाप आपको करने नहीं दूंगी, नहीं करने दूंगी। सावधान वृंदा, सावधान। यदि तुमने हमारे मार्ग में बाधा बनने की चेष्टा की अथवा पार्वती और हमारे बीच आने का प्रयत्न भी किया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नहीं।
लक्ष्मी दीदी, दीदी लक्ष्मी दीदी, न जाने ये दोनों भी कहाँ चले गए। सारा महल छान मारा है, लगता है वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं। जा चुके हैं बिना बताए, सब कुछ सुन लिया होगा, स्वामी के कटु वचन भी सुन लिए होंगे। हे प्रभु, हे भगवान शिव, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। भगवान, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दो। भगवान, असुर सम्राट महाबली जलंधर की जय। 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 तुम आ गए राहू, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे किस लिए बुलाया महाबले? राहु, जब कार्य विशेष हो और अन्य कोई इसे करने में असमर्थ हो, तब तुम्हें ही याद करना पड़ता है। आज्ञा करें महाबले, मुझे क्या कार्य करना है? आज्ञा तो हम कर देंगे, किंतु तुम्हें उसका पालन भी करना होगा। असुरराज, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का मैं कैसे दुस्साहस कर सकता हूँ? तो कैलाशवासी शिव से जाकर कहो, तो अपनी सुंदर और रूपवती पत्नी पार्वती हमें सौंप दे। असुरराज, ऐसा करना उचित नहीं होगा। सावधान रहो, हमें उचित अनुचित का ज्ञान देने का दुस्साहस स्वयं गुरु शुक्राचार्य भी नहीं कर सकते, तो फिर तुम क्यों अपने शत्रु बनना चाहते हो? किंतु महाबले, भय लगता है राहु, भयभीत हो गए। महाबले, कामदेव ने केवल काम उत्पन्न करने की चेष्टा की थी, तो शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म कर दिया था। कामदेव की भस्म तो उसकी पत्नी रति को प्राप्त हो गई थी, किंतु मैं उसे पत्नी को सौंपने की बात कहूंगा तो क्या मेरी भस्म भी किसी को प्राप्त हो सकेगी? राहु, कायल, भयभीत होकर अन्य असुरों को भी भयभीत कर रहा है तू। महाबले, शिव के सम्मुख शुभ और अशुभ बात करने में किसे भय नहीं लगता? फिर वे हम असुरों के पूज्य भी तो हैं, क्या उनके सम्मुख जाकर ऐसा करना? आप बंद कर और सुन, ये अभी तक तेरा केवल शीश शेष है। यदि तूने हमारी आज्ञा न मानी तो हम इसे खंडित कर समुद्र में फेंक देंगे। कैलाश पर शिव के सामने जाने से तेरे विनाश की केवल संभावना है, पर ना जाने से तेरा विनाश निश्चित है। अब बोल, तू आ जाएगा अथवा नहीं? बोल। जाऊंगा महाबले, अवश्य जाऊंगा। जाता हूं।